अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारुल रुही इंस्टीट्यूट। मैं हूं मोहम्मद अवैस। हमारे साथ करीबन मोहम्मदी साहब मौजूद हैं। कर सबसे आज हम बहुत ही अहम क्वेश्चन करेंगे। बहुत लोगों के सवाल होते हैं, ख्वाब के अंदर छोटे बच्चे को दूध पिलाना, फीड करवाना, ये किस चीज़ की अलामत है, इसकी क्या तबीर है। आज हम शायद सबसे डिटेल से पूछेंगे और आप पूरा प्रोग्राम समाप्त फरमाएँ ताकि आपको समझ आ सके। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब ख्वाब के अंदर वालदा अपने बच्चे को दूध पिला रही है। दूध अल्लाह ताला की एक बहुत ही बड़ी नेमत है और अब अपनी वालदा का पीना तो उससे भी बड़ी। अल्लाह ताला यानी कि इसके कारोबार में, इसके मालो जान के अंदर बरकत का नज़ूल फरमाएंगे जिस शख्स को ऐसा ख्वाब आ रहा है। और अगर बे औलाद है, औलाद अल्लाह ताला ता फरमाएंगे। और इसी तरह ख्वाब के अंदर जानी पहचानी औरत है, वो इसकी बीवी भी है, वो बच्चे को दूध फीड करवा रही है। तो कारोबार के अंदर अल्लाह ताला दिन ब दिन तरक्की देगा और ये बहुत बड़े मुकाम पे बंदा चला जाएगा। कंवारा है तो उसकी शादी हो जाएगी, शादीशुदा है औलाद हो जाएगी, औलाद वाला है तो माल दौलत अल्लाह ताला इसको अता फरमा देंगे। और सेहत तंदरुस्ती की तरफ भी इसमें इशारा है। बे औलाद है, औलाद नहीं होती तो औलाद होगी। और एक बात जहन में रखें, बहुत ज़्यादा बे औलाद औरतों को कैसे ख्वाब आते हैं, ये इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम पे ये भी प्रोग्राम करेंगे कि बे औलाद औरतों के ख्वाब कैसे होते हैं। तो उसके अंदर भी यही है कि ख्वाब मुझे अक्सर ऐसी यानी कि ख्वातीन ने या मर्दों ने ख्वाब सुनाए हैं जो भी औलाद थे, उन्होंने कहा जी ख्वाब के अंदर हमने बच्चा देखा है। औरत है वो कहती है दूध पिला रही थी कि या खेल रहे थे या ये कर रहे थे। बच्चा अक्सर मैं देखती हूँ ख्वाब में, ये ख्याल कि उसकी ख्वाहिश है ना कि अल्लाह ताला मुझे औलाद दे, ये ख्वाहिश उसकी ख्वाब बनती जा रही है। तो इसी तरह जो उसका इसी तरह खौफ है, किसी चीज़ का बंदे को खौफ रहता है रियल ज़िंदगी के अंदर, तो बंदा जो है वो ख्वाब के अंदर भी वैसे ही देखता है कि मेरी ये नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन बंदे को ख्वाब के अंदर होती है तो उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खौफ ख्वाब बन रहा है। तो इसलिए इसकी बहुत अच्छी तबीर है जी, अल्लाह तबारक व ताला जिसको भी दिखाता है ये अच्छा ख्वाब। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।